आज भारतवर्ष चांद से लेकर सूर्य की ओर तक अपने कदमों को बढ़ा चुका है। भारत की जयकार पूरे विश्व में गूंज रही है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ साथ विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में भारतवर्ष ने अपना नाम दर्ज कर दिया है। भारत की टेक्नोलॉजी, तकनीक और एजुकेशन एंड स्किल्स, शिक्षा और कौशल पूरे विश्व में अपना नाम बना रखा है। तो चले जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर्स थ्योरी संख्याओं का सिद्धांत के आधार पर मोदी गवर्नमेंट ने पिछले एक दशक में क्या किया है, जिसके कारण आज भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपने नाम को दर्ज करा रखा है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 31 जनवरी 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। 2014 के इतिहास के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रभावशाली और इतिहास रचने वाले प्रदर्शन के बाद भाजपा सरकार 2.0 ने 4 साल पहले इसी दिन 30 मई को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। पीएम मोदी को अक्सर राष्ट्रीय चुनाव में बीजेपी की सफलता के केंद्र बिंदु होने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने विभिन्न राज्यों में पार्टियों को बड़े चुनाव लाभ में भी तब्दील किया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई तो 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश और पंजाब में पार्टी एनडीए सरकार में कनिष्ठ सहयोगी थी। आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। पार्टी अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और पौंडीचेरी में सत्ता या सत्ता रूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी स्टैंड फॉर भारतीय जनता पार्टी। एक समय था जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के राजनीति में अपने वर्चस्व को झंडे की तरह लहरा रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 में कराची बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। आडवाणी मात्र 14 साल में ही RSS में शामिल हुए और राजस्थान प्रचारक के रूप में कार्य किए। सन 1951 में आडवाणी श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ के सदस्य बने और संसदीय मामलों के प्रभारी महासचिव और दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सहित विभिन्न भूमिका निभाए। सन 1967 में उन्होंने प्रथम दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनकर 1970 तक सेवा की। सन 1970 में आडवाणी पहली बार राज्य सभा के सदस्य बने और 1979 तक 4 कार्यकाल तक सेवा करते रहे। सन 1977 में चुनावों में जनता पार्टी की जीत के बाद आडवाणी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और राज्यसभा के सदस्य के नेता भी बने। सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भाजपा के संस्थापक सदस्यों में भी एक थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति का सफर भी बहुत दिलचस्प था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर स्टेट ब्रिटिश इंडिया मध्य प्रदेश में हुआ था। समझने की बात यह है कि अटल जी 1968 से 1972 तक भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट थे। आगे चलकर BGS में बहुत सारी पार्टियों का विलय हुआ और एक नई पार्टी का जन्म जिसे जनता पार्टी का नाम दिया गया, जो 1977 में अपने जनरल इलेक्शन में पूरी तरह वर्चस्व को दिखाया और अपनी तिरंगा को लहराया। अटल जी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रूप में मुरारजी देसाई के कैबिनेट में शामिल भी किया गया, लेकिन यह विलय टिक न सकी। 1979 में जनता पार्टी की हार हो गई, जिससे पहले अटल जी ने त्याग पत्र दे दिया। फिर अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो कुछ पीछे चले और भारतीय जनता पार्टी की आरंभ को समझें। पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में हुई, जिसकी स्थापना 1951 में भारतीय राजनीतिज्ञ श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 1975 से 1977 में राजनीति परिवेश में बहुत सारे बदलाव हुए। इसी वक्त आपातकालीन के बाद जनता पार्टी बनने के लिए जनसंघ का कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ विलय हो गया। सन 1977 में आम चुनाव में उन्होंने तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया।
गया, लेकिन यह गठबंधन कुछ कर न सका और 3 सालों में ही सत्ता पलट हो गई। नतीजा 1980 में जनता दल के भंग कर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का आरंभ नए सिरे से किया। हालांकि शुरू में असफल रहे, 1984 के आम चुनाव में केवल 2 सीट जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के आसपास आंदोलन के कारण उनकी ताकत बढ़ गई। कहते हैं कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही विश्व विजय सिकंदर ने की थी। भाजपा की मेहनत तब रंग लाई जब 1996 में संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर भाजपा उभर के आई। हालांकि संसद के निचले सदन में उनके पास बहुमत की कमी के कारण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह सरकार केवल 13 दिन में ही भंग हो गई। सन 1998 में आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी के अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के रूप में जाने वाले भाजपा के अगुवाई वाले गठबंधन में एक सरकार बनाई गई जो 1 साल तक ही चली। फिर नए चुनाव के बाद NDA सरकार, जिसका नेतृत्व एक बार फिर वाजपेयी ने की, पूरे कार्यकाल तक चली। ऐसा करने वाला यह एक पहला गैर कांग्रेसी सरकार थी। लेकिन सन 1904 के आम चुनाव में NDA की हार बुरी तरह से हुई। कुछ पीछे चलकर देखें तो सन 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार जनता दल की जीत आपातकालीन जो भारत की राजनीति में उठा पटक थी। सन 1996 में LPG रिफॉर्म का असर साफ दिखा, जबकि सन 2004 में BJP के NDA की हार पोखरण न्यूक्लियर टेस्टिंग और 1999 की इंडिया पाकिस्तान वार का सीधा असर था। दौर तो दौर है और मजबूत घोड़े की जीत हमेशा होती है। सन 2014 और 2019 में भारी बहुमत से BJP की NDA अलायंस जीत मिली। घूमते घूमते अब भारत के नरेंद्र मोदी के अगुवाई में होने वाले उत्थान के पास आ चुके हैं। तो मोदी के उत्थान में सन 2014 से NDA अलायंस के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने भारत को क्या दिया, चलिए इसके बारे में हम लोग देखें और समझें। मोदी के अगुवाई से पहले भारत पूरे विश्व में अपने अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान पर देखता था, जिसे आज 2023 के अंत तक मोदी की अगुवाई में 5वें स्थान पर ला खड़ा किया है। सन 2014 में भारत की GDP 6% थी, जिसे मोदी सरकार ने 2016 से 17 के बीच 8% और 2021-22 के बीच 9% तक पहुंचा दिया। सन 2014 में इन्फ्लेशन, महंगाई आसमान को छू रही थी, 10% जो इन्फ्लेशन के टॉलरेंस को पार कर चुकी थी। मोदी सरकार ने इस महंगाई के इन्फ्लेशन टॉलरेंस, मतलब 4% से 2% कम, 2% और 2% अधिक 6% के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए जिन्होंने आज तक के भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक कार्य दिवस कार्य किया। मोदी 7,898 दिवस, वहीं दूसरे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिन्हें 6,130 और तीसरे स्थान पर इंदिरा गांधी 5,829 कार्य दिवस को पूरा किया है। तो आने वाले दिनों में देखना है कि भारत की इकोनॉमी में NDA अलायंस की मांग कितनी है और किस तरह से इस मांग को NDA अलायंस पूरा करता है। एंडिंग ऑफ द सेशन, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू, थैंक्स।